हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो त्यौहार है उसका है थर्ड डे, और आज मतलब आपको दिखाने वाले हैं हम आज दिन भर क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कल रात को थोड़ी बारिश हुई थी, मॉर्निंग टाइम में भी बारिश हुई थी, तो आप सभी लोग जैसे देख भी पा रहे हो, बादल है आसमान में, धूप भी उतनी खास नहीं है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग ऊपर ऊपर चोटी में अगर आप देख पा रहे हो तो बर्फ़ पड़ी हुई है दोस्तों, हल्की हल्की से ना चोटियों में बर्फ़ पड़ी हुई है, उसके वजह से काफ़ी ठंडी हवा दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है आ रही है नीचे की, और जिससे कि जो यहाँ का टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा डाउन है। बट मैंने चेक नहीं किया दोस्तों, काफ़ी कम टेम्परेचर है इस समय यहाँ पर। और दोस्तों, मैं अभी बता दूँ आप सभी लोगों को, मैं अभी अभी सो के उठाऊँ, जैसे कि आप सभी लोग मेरी आँख बाल से पता लगा सकते हो कि मैं अभी अभी उठाऊँ। तो दोस्तों, मैं कल का जो ब्लॉग था दोस्तों, वो मैं बना नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि कल हमारे वहाँ काफ़ी मेहमान लोग आए हुए थे, तो उस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। क्योंकि दोस्तों, मेहमान की खातिरदारी करना ही हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेहमान भगवान का रूप होता है दोस्तों, ये तो आप सभी लोग भी मानते हो। तो उस वजह से मैं थोड़ा ब्लॉगिंग नहीं कर पाया, मेहमान लोग आए हुए थे तो उन लोगों की सेवा करने के लिए, और भाई भी घर घर में नहीं था, वो कहीं गए हुए थे, तो उस वजह से मैं कल घर में अकेले फंस गया था। पापा और मम्मी भी थे, बट सभी फैमिली थी लोग, लेकिन दोस्तों फ़र्ज़ हमारा ये बनता है कि मेहमानों के साथ उठना बैठना, उन लोगों को इधर उधर घुमाना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो दोस्तों, उस वजह से मैं कल गाँव भी नहीं जा पाया, और वैसे आज मैं दोस्तों ज़रूर गांव जाने वाला हूं, और काफ़ी कुछ मैं आप सभी लोगों के लिए कैप्चर करूंगा। और आज जो हमारे घर में डिश बनने वाली है, मुझे कोई पता नहीं है कि क्या बनने वाली, ज़्यादातर तो नॉन वेज ही बनना है दोस्तों। कल शाम को भी नॉन वेज बना था, और कल दिन को सीढ़े बने थे दोस्तों, वो भी उसकी रेसिपी जो मैंने बनाई, मैं भी बना रहा था, वो भी मैं आप सभी लोगों को इसी ब्लॉग में देने वाला हूँ। और आज देखते हैं दोस्तों क्या बना रहे हैं, अब नीचे चलते हैं। कल साजी है, जिसे हम संक्रांत कहते हैं अपने भाषा में, मतलब कि इसके बाद मंथ चेंज हो जाता है, मतलब माघ का महीना आ जाएगा दोस्तों, ये अभी माघ का महीना नहीं है, और फिर दूसरा महीना चेंज हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो दोस्तों 31 तारीख को चेंज हो जाता है, लेकिन जो संक्रांत होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग वो कल है साजी, जिसे हम अपने भाषा में साजी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, उधर भी ना छोटी चोटियों में बर्फ़ पड़ी हुई है, उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी हुई है दोस्तों कि मतलब इतनी पड़ी हुई है कि आप सभी लोग ठंड का महसूस कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को अगर उधर दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख रहे हो दोस्तों, मेरी यहाँ पर मेरा हाथ है ना, यहाँ पर सीधा यहाँ, वहाँ पर पीछे खड्ड में आपको बर्फ़ दिख पा रही होगी, काफ़ी बर्फ़ है। यानी कि अब अगर 2-4 दिन बारिश होती है तो ऑब्वियसली हम लोगों के लिए भी बर्फ़बारी या स्नोफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है सुबह की चाय, और अब सुबह की चाय पीते हैं, और इसके बाद की फिर आपको जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो शेयर करेंगे, पहले फटाफट से चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों, दिन का जो लंच है वो हो रहा है तैयार, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर मटन बन रहा है, और इधर मम्मी आटा गूंथ रहे हैं अभी दिन के खाने के लिए। वैसे दोस्तों, अब एक दो ही मेहमान बच चुके हैं हमारे घर में, बाकी सब लोग अभी अपने अपने घर चले गए, और आज तीसरा दिन है त्यौहार का, और कल आखिरी दिन है। और तो आज हम आपको एक्टिविटीज़, और ये देखिए ब्रूटू राम, यह है दोस्तों मेरा ब्रूटू, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, एक वीडियो में देखा होगा आपने, बहुत छोटा था उस समय, जब काफ़ी बड़ा हो चुका है। हेलो एडी, ये है दोस्तों मेहमान, ये जा रहे हैं आज घर, ये है दीदी, अरे इधर को तुम मुड़ो, ये देखो दोस्तों मेहमान घर वापसी की ओर, ये देखो दोस्तों, ये जा रहे मेहमान लोग घर, और इनको छोड़ कर जा रहे हैं हम थोड़े आज, माघ तो कल आएगा यार, कल के बाद, हाँ उसके बाद आएगा माघ। ये देखिए, ये हमारी दीदी बहुत ही खूबसूरत है, देखिए मोटे तो है ही, ये देखिए, ये है हमारी भांजी। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे सीढ़े हैं, सीढ़े का आटा हो रहा है तैयार, जो ये आटा होता है दोस्तों चावल का, और इसमें थोड़ा गेहूं का आटा भी मिक्स किया जाता है। तो आप सबसे पहले तो इसे चूल्हे पे धीमी आंच पर बॉईल कीजिए, उसके बाद आप इसे अच्छे से गूंदिए, और जो आप ये मिश्रण देख पा रहे हो दोस्तों, ये होता है उड़द का, जिसे हम अपने भाषा में माश भी कहते हैं। आप इसमें दोस्तों मिश्रण अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, और मम्मी यहाँ पर इसे अच्छे से गूंद रही है ताकि जो हमारे सीढ़े हैं वो अच्छे से बने।
तो दोस्तों यह है हमारा चूल्हा, और चूल्हे पे खाना जो बनता है दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट होता है और सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे सीड़ू है वो बन के तैयार हो रहे हैं, और इस पे पत्ते, नींबू के पत्ते लगाए गए हैं ताकि आपस में चिपके ना। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, मम्मी बना रही है, और ये जो मिश्रण है वो लिया और सीधा जो इसकी एक परत है उस पर लगा दिया है। और अब दोस्तों इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, इन दोनों को आपस में मतलब मिलाया जाता है या आपस में से चिपकाया जाता है, और उसके बाद जो हमारा सीड़ू है वो फाइनल बन के तैयार हो जाता है। कुछ लोग तो दोस्तों डिज़ाइन के लिए या आकर्षण बनाने के लिए इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। डिज़ाइनिंग का कार्य मेरे पास दिया गया है क्योंकि मम्मी को इतना टाइम नहीं, मम्मी के पास बहुत काम है दोस्तों, हमारे वहाँ काफ़ी मेहमान आए हुए हैं। और ये देखिए दोस्तों मेरी डिज़ाइनिंग देखिए, मैंने मम्मी और को देखा था दोस्तों, वो तो हाथ से डालते थे, लेकिन मैं एक छोटी सी मैंने डंडी ली है, मैंने अपना दिमाग घुमाया और मैंने इसे बनाने की कोशिश किया है। तो देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये शॉट बना।